स्टार्ट करते हैं, बात करें कि हमको किस तरफ जाना है। तो एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही है, 13.1। टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 आर जॉइंड फ्रॉम एंड टू एंड, मतलब दो क्यूब्स थे जो जॉइन हुए फ्रॉम एंड टू एंड। दो क्यूब्स थे आपके जॉइन हुए एंड टू एंड, कितने वॉल्यूम था इनका, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब भी कितना था 64 और वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब भी कितना था 64। जब ये लोग जुड़ जाएंगे तो इनकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सर वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब इक्वल टू 64 और यहाँ पे भी कितना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना 64। तो सर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का क्यूब होता है ना। तो यहाँ पे x 4 और यहाँ पे भी x कितना 4। यहाँ से आपकी हाइट कितनी रहेगी, तो सर यहाँ से आपकी हाइट रहेगी 4, ब्रेथ रहेगी 4, लेकिन जो आपकी लेंथ है वो लेंथ, क्योंकि ये दोनों क्यूब जुड़ गए हैं, ये दोनों क्यूब अटैच हो चुके हैं, तो जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 4 प्लस 4। ब्रेथ रहेगी आपके पास 4 और हाइट आपकी कितना रहेगी 4। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड वुड बी एल इंटू बी इंटू एच। तो 8 × 4 × 4 अगर मैं बात करूं अच्छे से और आराम से, तो 8 × 4 × 4 तो 32 × 4 डेट वुड बी व्हाट 128। चेक करो in the form of a hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14। sir agar apan baat kare acche se ki diameter of hemisphere kitna tha 14, to radius kitna ho gaya aapke paas 7। aur sir isi mein agar apan aage ki baat kare ki agar radius 7 ho gaya to kya bol ke rakha hai, hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder, diameter of the hemisphere is 14 and total height of the cone vessel is 13। मतलब आपको बोल के रखा है total height of vessel 13, उसमें से आपने 7 काट दिए। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, ठीक है। अगर मैं बात करूं और अच्छे से बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अपने फाइंड द इनर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पूछा है क्वेश्चन आपसे, तो जहां तक मैं समझता हूं सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ, अगर अपन लेके चले तो हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर अपॉन में कितना सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अब सर सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, वो होता है 2πRh और ये कितना होगा 2πR2। अगर अपन 2πR कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा h प्लस 2 × 22/7 × r = 7 h = 6 r = 7, 7 से 7 गेट कैंसिल, 44 × 13। तो सर 44 × 13 कितना हो गया, जो भी आप मल्टीप्लाई करें 440 और शायद 132, तो 572, 572। चेक करें, अगर सेकंड क्वेश्चन हो जाए तो चैट में वाई बोलिएगा। सीएसए इसलिए लिया गया क्योंकि इसका भी ढक्कन नहीं है, इसका भी ढक्कन नहीं है, अगर दोनों का ही ढक्कन नहीं है तो फिर अपन ने क्या ले लिया सी एस ए, क्या ले लिया सी एस ए, ठीक है। तरफ चल रहे हैं टॉय क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एनसीईआरटी का, वो कुछ इस प्रकार से है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। कोन का रेडियस कितना है आपका यहाँ पे 3.5, हेमिस्फीयर का भी रेडियस आपका कितना है 3.5, एंड टोटल हाइट जो बोल के रखी है उन लोगों ने
वो टोटल हाइट आपको बोली है शायद उन्होंने 15.5 अगर अपन बात करें सर, अगर इसमें से 3.5 काट लें तो सर ऊपर का कितना हिस्सा बचेगा? सर ऊपर का हिस्सा बचेगा 12। तो अगर मैं बात करूं अच्छे से और सिस्टमेटिक तरीके से तो ऊपर का हिस्सा आपके पास 12। CSA निकालना है आपको, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों के कोई ढक्कन नहीं है, इसके ढक्कन की जगह यह है और इसके ढक्कन की जगह वो है, तो आपको दोनों के क्या निकालना है? CSA। लेकिन सर इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा L, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा L, और यहाँ पे L square is equal to कितना? H square plus R square। सर बात तो सही है, तो आपके पास अगर अपने को L निकालना है तो L का मतलब होता है slant height। तो सर L का square is equal to कितना? 12 का square plus 3.5 का whole square। L का square is equal to कितना? 144, और 3.5 का square मतलब 12.25। तो कहीं ना कहीं L का square is equal to 156.25, और इसका रूट निकालोगे तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना? 156.25। तो सर L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12.5। L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12.5। अब सर CSA ऑफ कोन क्या है? पाई आर L, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है आपके पास? तो है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। सर अपन पाई आर कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? L प्लस 2R, L प्लस 2R। तो अगर अपन अच्छे से बात करें 22 प्लस 7 इंटू आर 3.5, L के बारे में बात करें तो 3.5, L तो आपको कितना है 12.5 प्लस 2R, 2 इंटू कितना R, R कितना आपके पास 3.5। तो सर ये 1 सा, शायद ये 2 सा, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लें तो ये 1 जा, ये 11 जा, 11 इंटू 12.5 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा? 19.5। ठीक है, तो सर 19.5 इंटू 11 कितना? 19.5 इंटू 11 जो भी हो चेक करो वो उसका आंसर। बात करें से अगर नए क्वेश्चन की, तो आपको बोला है अ क्यूबिकल ब्लॉक सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, मतलब एक अगर अच्छे से बात करें ये आपके पास एक प्रकार का क्यूबिकल ब्लॉक है एक प्रकार से, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आपका हेमिस्फीयर, आपने इसके ऊपर ऐसा हेमिस्फीयर रख दिया, ऐसा कुछ प्रकार का हेमिस्फीयर रख दिया आपने इसके ऊपर, और क्वेश्चन ये है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर कैन हैव। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको उसको पूरा इनडायरेक्टली ग्रेटेस्ट डायमीटर चाहिए तो जो कहीं ना कहीं साइड होगी क्या होगी? अगर मैं बात करूं साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब कैन बी द साइड ऑफ क्यूब can be the diameter of what? Diameter of hemisphere. क्योंकि आप खुद सोचिएगा, अगर मैं आपको समझाऊं कि इस तरफ भी कोई अगर आपको हेमिस्फीयर रखना है तो मैक्सिमम सबसे बड़ा हेमिस्फीयर किस तरफ रखवाएगा? ऐसा करोगे ना उसको बड़ा बनाओगे तो ये पूरा हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो इसका मतलब सर ये जो साइड है, साइड ऑफ क्यूब कितनी है? साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि साइड कितनी है 7 इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू कितना? 2R। तो R इज इक्वल टू कितना? 7/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3.5। R इज इक्वल टू 7/2, दैट इज इक्वल टू कितना आपके पास? 3.5। अब अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो शायद आपको CSA ऑफ कितना? क्यूब, CSA ऑफ क्यूब प्लस अगर मैं बात करूं CSA ऑफ हेमिस्फीयर, जितना हिस्सा हेमिस्फीयर कवर कर रहा है, मतलब अगर आप मान चलो कि इस पूरे हिस्से को अगर हेमिस्फीयर कवर कर रहा है
तो क्यूब की वाली साइड, क्यूब की ये जो पर्टिकुलर साइड है ना वो आपको दिखेगी ही नहीं। कौन सा, ये जो सर्कल वाला एरिया है, ये सर्कल वाला एरिया क्यों नहीं दिखेगा सर? क्योंकि इसके ऊपर आपने बाउल रख दिया। क्या रख दिया है? देखो यहाँ से अपन ऐसा होता है ना, ऐसा बाउल बन गया पूरा, तो पूरा बाउल रख दिया। तो सर ये गोला आपको नहीं दिखेगा, और क्योंकि ये गोला आपको नहीं दिखेगा तो इसका हो जाएगा सी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कितना, पाई आर स्क्वायर। अब सर सी एस ए ऑफ क्यूब कितना होता है? वो होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है कितना, अगर अपन बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू, अगर मैं साइड देखूं तो कितना, 7 का स्क्वायर, और प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 49 प्लस पाई इंटू 49/4। तो सर इसको अगर अपन देखें तो शायद जितना मुझे लग रहा है आप लेके चलेंगे तो 4 इंटू 49 इज समथिंग 196, और इसको ले लो 22/7, तो अगर 22/7 लोगे तो 1 × 7 × 7, ये 2 × 77/2। तो सर अगर अपन अच्छे से बात करें आराम से तो चेक करो, हो जाए तो चैट में क्यू टाइप कीजिएगा, क्यू क्यू। क्यूब का सी एस ए नहीं आएगा, क्यूब का टी एस ए आएगा। अगर अपन बात करें क्यूब का कहीं ना कहीं टी एस ए आएगा, तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि क्यूब पूरा ही है ना बेटा, हर जगह से दिख रहा है। 6 × 49 होगा, 6 × 49 करें तो अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 294, ठीक है ना, 294 + 77/2, ठीक है ना। क्यूब क्योंकि पूरा आ रहा है इसलिए उसका क्या रहेगा, टी एस। सर क्या अगला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है कुछ? तो मैंने बोला हाँ यार दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक्स। मतलब अगेन एक वुडन ब्लॉक था, उस वुडन ब्लॉक को आपने चीर दिया। चीर दिया इसका मतलब ही क्या, अगर मैं बात करूं तो एक आपके पास प्रॉपर वाला वुडन ब्लॉक था, आप समझिए आपने इसमें से पूरा की पूरा हेमिस्फीयर इस प्रकार से, या मैं आपको इस प्रकार समझाऊं, अब ये समझिए आपने ऐसे पूरा की पूरा हेमिस्फीयर इसमें से काव आउट कर लिया, मतलब नीचे का ऐसा पूरा काव आउट कर लिया। अब सर इससे क्या हुआ कि पूरे टी एस ए ऑफ क्यूब में से आपने इतना सर्कल तो काट लिया, तो सर ये सर्कल तो काट लिया, ये सर्कल का जो एरिया था वो कितना था, पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर अब हमको ये काटने के कारण जो ये अंदर का हिस्सा वो दिखने लग गया, और वो जो अंदर का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए ऑफ क्यू माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे बात करूं अच्छे से तो सर टी एस ए ऑफ क्यूब क्या है, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये जगह प्लस पाई आर स्क्वायर। सर ये भी ठीक है। अब अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो डायमीटर कितना गिवन है सर? डायमीटर इसका क्वेश्चन में गिवन है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज एल। तो सर हम लास्ट वाले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, एल is equal to side of cube, cube की side पे l। हाँ radius कितना हो जाएगा sir? radius हो जाएगा l/2। मैंने बोला ठीक है, तो 6 × x² 6 × कितना l square, pi into l by 2 का whole square। तो यहाँ पे ले लो 6l² plus pi l² / 4। तो अगर LCM ले लेंगे या आपको ऐसे भी देखना हो तो l square 24 प्लस पाई अपॉन में कितना, चेक करो चलें क्या दोस्तों। अगला दिया हुआ है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ
cylinder, a medicine capsule, is in the shape of a cylinder with its two ends hemicircular. The length of the entire capsule is 14 and diameter of the capsule is 5. अब देखो, diameter of capsule मतलब ये, अगर आपको diameter of capsule 5 mm दिया हुआ है, तो radius कितना होगा? Radius होगा 2.5 mm. तो यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 2.5. अगर मैं अच्छे से बात करूं और आराम से बात करूं, तो सर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं एंटायर लेंथ कितनी है 14, इसमें से 2.5 यहां कट गया, 2.5 यहां कट गया, तो 2.5 और 2.5 कट गया, तो बीच में कितना बच गया? 9. कितना बच गया आपके पास? सर 2.5 यहां से कटा है, 2.5 वहां से कटा है, तो मेरे ख्याल से बीच में 9 बच गया. आपको एंटायर कैप्सूल की लेंथ चाहिए, तो वो हो जाएगा 2πRh. ये तो CSA of क्या हो गया? सिलेंडर. तो सर CSA of सिलेंडर प्लस 2 into CSA of क्या? हेमिस्फीयर. 2 into CSA of हेमिस्फीयर. तो सर अगर अपन अच्छे से बात करें तो आप किस तरफ जा रहे हो? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2πRh प्लस 2 into 2πR square. 2πRh प्लस 4πR square. तो सर अपन 2πR कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में कितना आएगा? H प्लस 2R. 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू R इज 2.5, H इज 9 प्लस 2 इंटू कितना? 2.5. तो सर 44 बाय 7, गेम तो कुछ यूं चल रहा है, 44 बाय 7 इंटू 2.5 और ये 5, 9 प्लस 5 इज 14, तो ये हो जाएगा 1 सा, ये हो जाएगा 2 सा, 44 इंटू 5 दैट इज 220. हो जाए तो चैट में के टाइप कीजिएगा, के. चलेगा दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप. तो सर इसका मतलब क्या कि एक टेंट इस प्रकार से है जो कि इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप. तो सर ये रहा आपका कॉनिकल टॉप और ये रहा आपका इस प्रकार का टेंट. तो सर ठीक है, टेंट है आपके पास. नेक्स्ट, द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर. अगर अपन बात करें हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 2.1 एंड 4. तो सर हाइट तो इसकी 2.1 है और डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना? सर डायमीटर ऑफ सिलेंडर जो होगा वही डायमीटर ऑफ रेडियस होगा. तो सर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2. आपको बोल के रखा है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 2.8. सर स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 2.8, तो यहाँ पे आपके पास 2.8 आ चुका है. अगर अपन नेक्स्ट बात करें, find the area of canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. तो अगर अपन अच्छे से बात करें कि आपके पास था कितना CSA of cylinder plus CSA of cone, तो यहाँ पे आ जाएगा CSA of cylinder is 2πRh और CSA of cone is πRL. सर CSA क्यों ले रहे हैं? ना तो ऊपर वाले का ढक्कन नीचे है ना नीचे वाले का, दोनों आपस में एक दूसरे के ढक्कन बन के बैठे हैं, तो नीचे का कवर हमको करना नहीं पड़ रहा है. तो πR ब्रैकेट में कितना? 2h प्लस l. तो 22 बाय 7 इंटू r कितना है आपके पास? 2. 2h, 2 इंटू h मतलब कितना आपके पास? 2.1 और प्लस एल इज 2.8. कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन इस प्रकार से हो रहा है. ये आपका ये हो जाएगा 44 बाय 7, ये आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8, तो 44 बाय 7 इंटू 7 द आंसर वुड बी 44. सर ठीक है,
सर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा रहे हो? मैंने बोला हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं अपन लोग. फ्रॉम द सॉलिड हुज हाइट इज 2.4 मीटर फ्रॉम द सॉलिड. Height is 2.4 and diameter is 1.4. तो height 2.4 and diameter कितना 1.4. तो diameter यहाँ पे radius कितना हो जाएगा 0.7. A conical cavity is cut out. ठीक है सर. तो सर height तो कितनी होगी 2.4. कॉनिकल कैविटी कितनी हो गई 0.7. आपको बोला है इसका टीएसए निकालो. मैंने बोला ठीक है बाहर का सीएसए ऑफ कोन, ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ कोन तो आएगा ही आएगा, और सिलेंडर का क्या आएगा? सर सिलेंडर का सीएसए ऑफ सिलेंडर, लेकिन सर नीचे का तो गोला लगा हुआ है. सर नीचे का ये जो गोला लगा हुआ है प्लस कितना पाई आर स्क्वायर. सर सी एस ए ऑफ कौन क्या आ जाएगा पाई आर एल. सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस कितना पाई आर स्क्वायर. तो सर अपन पाई आर ही कॉमन ले लें तो एल प्लस 2 एच प्लस आर. तो सर 22/7 इंटू आर तो आपका 0.7 है. सर क्या एल निकालना पड़ सकता है कॉनिकल कैविटी के हिसाब से? मैंने बोला हाँ. तो ये 2.4 है और ये 0.7 है. तो सर 2.4 और 0.7 के बीच में सर L कैसे निकलवाओगे? तो मैंने बोला देखना यार बच्चे, L का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर. इन शॉर्ट अगर अपन बात करें तो 5.76 प्लस 0.49. L का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 6.25 और L is equal to 2.5. सर L आ गया 2.5, H is 2 into 2.4 and R is again 0.7. सॉल्व करो इसको, कितना आएगा और कैसा आएगा? तो सर बात तो खैर सही है, इसको अगर यहाँ पे कट करेंगे तो वनजा और ये 0.1, तो 22 into 0.1 is 2.2. और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7. करो ट्राई क्या आ रहा है फिर जवाब दीजिए. तो लास्ट जो फर्स्ट एक्सरसाइज का है अगर अपन बात करें फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तो कहीं ना कहीं यहां से आपका बाउल कटा हुआ है और ऐसा आपका बाउल कटा हुआ, ठीक है. आपको हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 10, रेडियस कितना गिवन है? रेडियस गिवन है 3.5. सर ठीक है, मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ रेडियस आपको गिवन ही कितना है 3.5, ठीक है. ये ऐसे हेमिस्फेरिकल कट बना है, कट मतलब से इस एरिया को ओपन किया है, ठीक है ना. अब आपको कहीं ना कहीं क्या चाहिए, टीएसए ऑफ होल फिगर. ठीक है ऊपर का गोला कट चुका है नीचे का गोला कट चुका है, इसका मतलब सिलेंडर का क्या लगेगा सीएसए. तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into CSA ऑफ कितना हेमिस्फीयर्स, 2 into CSA of hemisphere. अब बताओ CSA of cylinder कितना हो गया? CSA of cylinder is 2 pi RH, 2 into 2 pi R square. सर आप तो 2 pi R common ही ले लो, bracket में आ जाएगा H plus 2R. तो 2 into 22/7 into 3.5, H कितना है 10 plus 2 into 3.5. सर ये 7 से 7 कैंसिल, 22 into 17 वुड बी द आंसर. चेक करें समझें, यहां पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज